हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैटरी का रखरखाव कैसे करें। बैटरी के टर्मिनल आपने देखे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस बैटरी के टर्मिनल की हालत क्या है। ये देखिए, ये इसके बैटरी के टर्मिनल की आप हालत देखिए, कितना कार्बन इस पर किस कदर आया हुआ है, किस कदर ये ख़राब हो रखे हैं। तो आपकी गाड़ी के जो बैटरी है उसके टर्मिनल भी कुछ इसी तरह से ख़राब हो जाते हैं, धीरे धीरे उन पर कार्बन आने लगता है और वो अच्छी तरह से करंट को फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो इनका रखरखाव कैसे करें, इनका साफ़ सफाई आप कैसे करें, वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो कोई स्पेशल आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी गर्म करना है, तेज़ बॉयल करना है, और उसमें आपको खाने का सोडा उसमें आपको डालना है। और उसके बाद आपको एक टूथपेस्ट लेना है, ख़राब टूथपेस्ट आपके पास पड़ा होगा। तो इन चीज़ों की सहायता से हम इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको खोलने की कोशिश करेंगे। टर्मिनल खोलते समय आपको हथौड़े से या किसी दूसरी चीज़ से उसको मारना नहीं है, नहीं तो आपकी ये टर्मिनल टूट सकते हैं। बैटरी पुराने होने के साथ ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर नहीं खुलते हैं तो आप पानी डालिए एक दो बूंद, जैसे मैंने अभी डाला है। देखिए, चम्मच से आप पानी डालिए और थोड़ा सा उसके ऊपर सोडा डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और पेंचकस से या किसी हल्की चीज़ से उसको थोड़ा थोड़ा टैप करते रहिए, और धीरे धीरे 5-7 मिनट के बाद वो अपने आप ही लूज हो जाएगा। फिर आप आराम से उसको खोल सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। टैप नहीं करना है किसी भारी चीज़ से, हथौड़े से ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते, नहीं तो आपका टर्मिनल टूट सकता है। ये आपको पूरा ख्याल रखना है। ऐसे टैप करते रहिए, खुल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये देख सकते हैं आप क्या हालत है इनकी, कितना कार्बन आ रखा है इन पे टर्मिनल के जो बोल्ट है। देखिए क्या कंडीशन हो रखी है इनकी। ये देखिए, थ्रेड भी नहीं दिख रहे इनके, थ्रेड पे भी पूरा कार्बन आ चुका है, और वासर देखिए ये लोग ख़त्म हो चुका है। तो इनको कैसे साफ़ करेंगे वही देख लेते हैं। तो ये सब नट बोल्ट को आप किसी एक गिलास में या कप में डाल दीजिए सबसे पहले, और उसमें गर्म पानी, पूरा गर्म पानी होना चाहिए, ये उबलता हुआ मान लो, उतना पानी, इतना पानी आपको लेना है कि ये इसमें डूब जाए। ये देखिए, ये इसमें अच्छे से डूबना चाहिए, इतना पानी मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगा सोडा, खाने का सोडा है, हर घर के आराम से मिल जाएगा, आधी चम्मच करीब है, इतना मैंने डाल के छोड़ दिया है। ये देखिए, ये कार्बन एसिड होता है, इस पर एसिड की वजह से कार्बन आता है। और ये देखिए, इसको आप डाल के तब तक छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, हम अपने टर्मिनल साफ़ कर लेते हैं तब तक। तो ये देखिए आप टर्मिनल का हल क्या हो रखा है। तो इसको हम एक ब्रश की सहायता से, ये ऐसे एक ब्रश लीजिए आप, और जितना ये ऊपर कार्बन उतरा हुआ है, पहले आप बिना कुछ डाले इसको जितना ऊपर से साफ़ कर सकते हैं, ऊपर से इसको साफ़ कर दीजिए सबसे पहले। तो अब आपको वो गर्म पानी लेना है जो आपने गर्म किया था, वो चम्मच की सहायता से सबसे पहले एक टर्मिनल पर डालना है आपको, थोड़ा सा, और ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, एक चम्मच के करीब डालिए। इसके बाद आप थोड़ा सा, एक चुटकी भर इस पर ये सोडा डालिए खाने का, इसी तरह दूसरे पे भी आपको सोडा डाल देना है, डाल के थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है ये। फिर आपको एक एक बूंद करके इस पर पानी डालना है, ताकि ये सारा सोडा जो आपने डाला है ये थोड़ा पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, एक झाग से बन जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जहाँ जहाँ मैं पानी डाल रहा हूँ वहीं वहीं इसके झाग से बन रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये झाग झाग से बन रहे हैं इस पर, इसी तरह दूसरे पे, जहाँ जहाँ हमने सोडा डाला थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए आपको ये छोड़ना है, बूंद बूंद करके आपको पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है इस पर, बस इतना काफ़ी है। अब हमें सहायता लेनी होगी ब्रश की। अब आपको ये वाला ब्रश लेना है, कोई ख़राब ब्रश, टूथपेस्ट, और इसको रगड़ देना अच्छे से। अगर बहुत ज़्यादा उस हैंडलिंग करोगे या खोलती बार या साफ करती बार अगर बहुत ज़्यादा चोट मारोगे तो आपको
तो 90% तो आपके पहले राउंड में ये छुट जाएगी, फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है तो आपको फिर से वही काम करना है, फिर से थोड़ा सा पानी इस पे डालना है और फिर से थोड़ा सा इस बार पहले से भी कम आपको इस पे डालना होगा सोडा खाने का, बिल्कुल कम मात्रा में आपको डालना है जस्ट नाम के लिए, जहाँ जहाँ आपको लगा है कि कार्बन अभी भी है उधर डालना हल्का हल्का, और फिर से वही काम करना है आपको। दो राउंड में ये आपका 100% उतर जाएगा। थोड़ी देर पानी के कुछ बूंदे इस पे डालना है आपको, फिर से वही झाग जैसे बनेंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और फिर आपको वही ब्रश लेके और इसको अच्छे से रगड़ना है। ब्रश रगड़ने से ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप हैमर करोगे किसी चीज़ से ठोकोगे तब ये टूट सकता है, ब्रश रगड़ने से नहीं टूटेगा क्योंकि ब्रश से उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा इस पर। तो जितना ज़्यादा आप साफ कर सकते हो उसका रगड़ सकते हो, 5 मिनट का टाइम इसमें लगेगा आपको साफ करने में, लेकिन ये पूरा नया जैसा हो जाएगा, आपका करंट भी अच्छा रहेगा इससे। ये देखो पोंछने के बाद आपको ये साथ साथ में कपड़े से पोंछ देना है ताकि इस पर कुछ भी बचा ना रहे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बूंद बूंद करके पानी डालना है। पानी आप ऐसा ना करो कि इसको नहला दो पूरा, ऐसा आपको नहीं करना होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको, पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है 1-2 मिनट, फिर आपको ब्रश लेके और उसको साफ करना है। साफ करने के साथ ही आपको कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ देना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरी क्लीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है टर्मिनल की। अब आप टर्मिनल की कंडीशन देखिए, ये आप देख पा रहे हैं दोनों की पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। पूरा नया जैसा एकदम हो गया है। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको आप पेंचकस की सहायता से या किसी निकोली चाकू की सहायता से जो इसको छुटा सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाया, अच्छे से नहीं लग पाया है, वहाँ से आप इसको पेंचकस की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो मैं ये पूरा कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर पूरा साफ करने के बाद आपको मैं इसको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये टर्मिनल मैंने साफ कर दिया। अब आप टर्मिनल की हालत देखिए, पहले क्या हालत थी टर्मिनल की और अभी क्या हालत है टर्मिनल की, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों टर्मिनल एकदम आपको नए जैसी हालत में मिलेगा, जैसे आप नया बैटरी लेके आते हैं एकदम उसी हालत में आपको मिलेगा। देखिए तो अब इसी तरह से हमको ये देखिए, आप बोल्ट वाला मैंने बोल्ट जिस कप में डाले थे उसकी हालत क्या हो चुकी है देखिए। ये देखिए और बोल्ट भी आप देख लीजिए कितना अपने आप खुद ही, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डाल के छोड़ा इसको, और कितना इनकी हालत क्या हो गई, क्या थे ये और अब क्या हो गया। इसको सिर्फ आपको निकाल के, मैंने सारे बोल्ट को नट बोल्ट को निकाल लिया है। अब मैं ये देखिए मैं इनको कपड़े से साफ करके दिखाऊंगा। अब मैं उसमें से निकालने के बाद इनको ब्रश से थोड़ा सा साफ करूंगा सारे नट बोल्ट पे। ये पानी लेके गर्म पानी, इसमें 1 चम्मच सोडा डाल के, और तब मैं गर्म इसको साफ करूंगा ब्रश से। तो साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए साफ करने के बाद ये कैसे इसकी कंडीशन है, बिल्कुल भी कार्बन इन पे नहीं रहा, नए जैसे ही हो गए हैं। इसी तरह से आपको ये वाले जो टर्मिनल है एंड है, ये भी आपको थोड़ी देर दिखा के रखने, पानी में भिगा के, और फिर आपको ब्रश से मार देना है इन पर। ब्रश से साफ करने के बाद में फिर आपको कपड़े से इनको साफ करना है। तो इसी तरह से आपको तीनों चीज़ें साफ करनी है, बैटरी वाले टर्मिनल भी, ये कनेक्शन भी और नट बोल्ट भी। ये सारी चीज़ें साफ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टर्मिनल भी साफ हो गए हैं हमारे, और ये भी आप देख सकते हैं कैसे साफ कर लिया मैंने, और ये नट बोल्ट भी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा सा वैसलीन लगाने वाले हैं, वैसलीन लगा के नट बोल्ट पे, और हम इनको टाइट करने वाले हैं। देखिए कैसे करता हूँ मैं। वैसे आप इसका एक स्पेशल ग्रीस भी आता है बैटरी टर्मिनल का जेली, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा वैसलीन लगा सकते हैं इस पर। टर्मिनल पे भी मैं लगाऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा सा आप लगा दीजिए, और इसके बाद आपको ये नट वाशर लेके और बस टाइट कर देना। टर्मिनल लगाते समय एक बात का ध्यान रखें कि पहले आप लाल वाला लगाएं प्लस वाला, फिर आप काले वाला लगाएं, क्योंकि अगर आप पहले काला वाला लगा देंगे तो पूरे चेसिस में और दूसरे कंपोनेंट में करंट आ जाएगा, जिससे कि अगर आपका कहीं पे भी लाल वाला वायर टच हो गया टाइट करते समय तो बार बार वो स्पार्क कर लेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो कि कैसे आपने घर पर ही अपने टर्मिनल को कैसे आप साफ करें, कैसे उनका रखरखाव करें, ये आज की इस वीडियो में हमने जाना। तो अगर आपको आज की मेरी पसंद आई है वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।